अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर हंटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर, आज की जो वीडियो मैं आपको मोबाइल बताने वाला हूं वो एक ऐसा मोबाइल है जिसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो 1 लाख से ऊपर की रेंज में स्मार्टफोन आता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन भी एक अपर मिड रेंज लेवल का स्मार्टफोन है, लेकिन जो इसकी प्राइस है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि इतना महंगा स्मार्टफोन और जो इसके स्पेक्स हैं और जो इसके फीचर्स हैं वो उस लिहाज से नहीं लगाए गए जिस स्मार्टफोन की कैटेगरी में ये स्मार्टफोन आता है। जिस स्मार्टफोन की मैं आपसे बात करूं उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A73। और इस स्मार्टफोन पे ना यार मेरा कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कहा बना लेते हैं, उन लोगों को बता देते हैं जो कि सैमसंग लवर हैं या इस स्मार्टफोन को बाय करने के बारे में सोच रहे थे, उनको बता देते हैं कि स्मार्टफोन में क्या फीचर्स आते हैं और किस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन आता है। वैसे तो पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 1,15,000 से 1,20,000 की रेंज में आता है। और जो स्मार्टफोन में फीचर्स है ना वो आपको 70,000 to 80,000 की रेंज में भी मिल जाते हैं। तो क्या स्मार्टफोन में लगाया गया वो आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ आप इसे बेटर कौन सी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम आपको कौन कौन सी ऑप्शन मिल जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो यार रेड कलर का सब्सक्राइब आ रहा होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर विजिट करते हैं चैनल, वीडियो अच्छी लगा करे तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अब सबसे पहले सैमसंग A73 की बात करूं तो यार इस स्मार्टफोन में ना स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट आता है जो कि 5G चिपसेट है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो PUBG 60 FPS के ऊपर इजिली रन कर लेता है। और अगर आप Xiaomi या Vivo की बात करें तो वो इस रेंज में आपको 888 भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये जो स्मार्टफोन है, अगर प्रोसेसर वाइज बात करूं 778 आपको 70,000 to 80,000 की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है। वही 6.67 इंच का आपको सुपर एमोलेड पैनल मिल जाता है जो कि सैमसंग के डिस्प्ले से ना यार किसी को भी मेरा नहीं ख्याल कोई इशू आने वाला, क्योंकि सैमसंग डिस्प्ले में वाकई कमाल गेम खेल रहा होता है। इसके साथ आपको इसके अंदर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है जो कि आई गेस आपको 50,000 की रेंज में पोको X3 और पोको X3 प्रो के अंदर इससे ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है। तो इस लिहाज से ना यार सैमसंग ने कहीं ना कहीं पे यार कंजूसी तो की है, नो डाउट। और इसी के साथ 1080p की रेजोल्यूशन है, 5 होल में आपको कैमरा भी मिल जाता है, लेकिन 1080p की रेजोल्यूशन यार लाइक सीरियसली, क्योंकि 1080p की रेजोल्यूशन तो आप 40,000 to 50,000 वाले मोबाइल में भी मिल जाती है। और यही डिस्प्ले आपको, यही क्वालिटी 120Hz आपको पोको X3 प्रो भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं 45,000 है। बट ओवरऑल जितने भी फीचर्स हैं ये आपको उन स्मार्टफोन्स में भी मिलते हैं। 8GB की रैम है, 256GB की स्टोरेज है। अब 8GB की रैम आप खुद मुझे बताएं क्या ये सेटिस्फाई करती है 1,15,000 की रेंज में अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 8GB की रैम तो यार आजकल हर मोबाइल, हर कंपनी जैसे कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये सारी कंपनीज 8GB प्रोवाइड कर रही हैं। और ना ही इसमें कोई LPDDR5 ऐड की गई है, ना ही LPDDR4 की ऑप्शन ऐड की गई है। तो सैमसंग वालों मजाक कर रहे हो तुम लोग, सैमसंग भी अपने ब्रांड के पैसे ले रहा है स्मार्टफोन में। अब मुझे पता है काफी जो है ना सैमसंग लवर मुझे आके गालियां देने वाले हैं, लेकिन अगर कोई सैमसंग लवर है भी तो वो खुद मुझे बता दे यार 1,15,000 में मैं किसकी क्या तारीफ कर सकता हूँ। ठीक है PTA के टैक्सीज वगैरह बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन आप खुद बताएं अगर PTA के टैक्सीज ज्यादा भी है फिर भी आपको जो अगर 70,000 की 80,000 की रेंज में जो स्मार्टफोन मिल रहे हैं क्या उनमें आपको ये जो सारे स्पेक्स हैं वो नहीं मिलते। तो इस चीज का फैसला आप खुद भी कर सकते हैं। ऑल दो कैमरा काफी अच्छा लगाया गया है, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कैमरा के पॉइंट्स हैं, क्योंकि बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसके अंदर जो मेन कैमरा है 108MP का है, 12MP का अल्ट्रा वाइड, 5x5MP के डेप्थ और मैक्रो सेंसर मिल जाते हैं, OIS आपको मिल जाती है बैक कैमरा में। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32MP का लगाया गया है। अब इसके अंदर ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर OIS कुछ भी ऐड नहीं किया गया, बट इसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन मोड के नाम से एक फीचर मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो है ना वीडियो थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो जाती है, लेकिन कोई भी इसके अंदर ऐसी कोई स्टेबिलिटी ऐड नहीं की गई। ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस होगी, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन काम करती है उस तरह से ये वर्क करने वाली है। 5000mAh की बैटरी या 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है जो कि मुझे ठीक लगती है। अब काफी लोगों को 25 वाट भी कम कर लगने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 30,000 की रेंज में आपको 33 वाट मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे सेटिस्फाई हूं, क्योंकि चार्जिंग स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी बैटरी इफेक्ट होती है। तो मैं इस चीज में ना सैमसंग और एप्पल को अप्रिशिएट शुरू से करता हूँ। टाइप सी वाली चार्जिंग है, हेडफोन जैक को स्मार्टफोन से रिमूव कर दिया गया है। अगर स्मार्टफोन के सिक्योरिटी फीचर्स की बात करूं तो यार स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट कैमरा में फेस आईडी की सपोर्ट भी मिल जाती है। लास्ट में अगर स्पीकर्स की बात करूं ना तो ये छोटी सी चीज है लेकिन मुझे काफी अच्छी लगती है, स्मार्टफोन में एटलीस्ट स्टीरियो स्पीकर्स तो दे देते यार।
तो मुझे नहीं समझ आती है स्मार्टफोन किस तरह से अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर मैं आपसे इस प्राइस की बात करूं ना, तो यार इस रेंज में ना आपको S22 FE भी मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा आपको बजट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। S21 का FE मॉडल मिल जाता है, इवन आपको S20 का FE मॉडल मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है। लेकिन जो अपर वेरियंट्स हैं वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, इससे काफी बेटर है, इसे काफी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं। और अगर आप पैच स्मार्टफोन की तरफ जाते हैं यूज में किट्स में, तो आपको S20 प्लस मिल जाता है, जो कि 12GB रैम के साथ आता है, और वो भी आपको तकरीबन 72-75K की रेंज में मिल जाता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ही। तो यार मैं तो किसी दुश्मन को भी मशवरा नहीं देने वाला कि यार ये स्मार्टफोन लो। अब ये इतना बुरा स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन जिस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन फॉल कर रहा है उस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन मुझे थोड़ा सा तो नहीं, खैर बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका स्मार्टफोन से रिलेटेड क्या कहना है, कि या आपको भी ओवर प्राइस लगता है, या फिर आपको लगता है कि यार ठीक है, मतलब सैमसंग ने दे दिया तो मतलब ठीक ही दिया होगा। तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर किया हुआ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।